नुहू नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि नगर पालिका, नगर परिषद इत्यादि में लगे सफाई कर्मचारी सरकार से नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी की वजह उनकी मांगों को अमली जामा लंबे समय बाद भी नहीं पहनाया जाना। कर्मचारी भीषण गर्मी में अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय नुहू पहुंचे और प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने एसडीएम के माध्यम से स्थानीय निकाय मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। वहीं आपको बता दें कि विकास कुमार एसडीएम नुहू का कहना है कि इसके अतिरिक्त उन्होंने पुनहाना तथा फिरोजपुर झिरका नगर पालिका के विषय बताए। वहां के अधिकारियों को डीएमसी के माध्यम से निर्देश दिए जाएंगे। कुल मिलाकर कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको सरकार तक भिजवा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं नुहू निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया है आपके मार्फत मंत्री को, लिए सर क्या मांगे हैं सर, उनको किन? नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जो नुहू के लोग हैं उन्होंने आज यहाँ पे ज्ञापन दिया माननीय मंत्री जी, जो स्थानीय निकाय मंत्री हैं उनके लिए। उन्होंने इसके अंदर अपनी विभिन्न प्रकार की पुरानी पेंडिंग जितनी भी डिमांड्स हैं पालिकाओं, परिषदों और नगर निगम और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की, उनके मांगों के शीघ्र समाधान एवं जो उनका उत्पीड़न जैसा वो बता रहे हैं उसकी कार्रवाई वापस करने बारे ज्ञापन दिया है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने दो तीन विषय और भी बताए हैं झिरका और पुनाना की सफाई कर्मचारियों के, उसके लिए भी हम वहाँ के संबंधित नगर पालिका के अधिकारियों को डीएमसी साहब के मार्फत आदेश दिलवा देंगे। और कुछ इनके एरियर स्पेंडिंग है उसकी बात भी की है इन्होंने, और कुछ समय को लेकर शिफ्टों के बारे में कुछ सरकार से जो आदेश जारी हुए हैं उनको लागू करने के बारे में भी कहा है। तो जितनी भी इनकी मांगे और समस्या हैं उनके समाधान के लिए माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से और डीएमसी साहब के माध्यम से संबंधित विभाग के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको उचित दिशा निर्देश दिलवा दिए जाए। सर सबसे पहले उन्होंने मंत्री को ज्ञापन दिया था सर, तो उनके माध्यम से कोई आश्वासन मिला था सर? वो तो अब मेरे को तो फ्रेश ज्ञापन दिया है, तो ये हम डी साहब के मार्फत एक बार मंत्री जी को भिजवा देंगे, जो भी सरकार से आदेश प्राप्त होंगे आपको भी और इनको भी सूचित कर दिया जाएगा। ठीक, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर। कौन से कर्मचारी हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया है, क्या मांग है? ये हमारे पूरे हरियाणा के अंदर जो दो दिवस चल रहा है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, सरकार झूठे आश्वासन दे करके और नियामित्य करती है हर बात को। आपको पता ही, सरकार ने कैसे कैसे अपनी जान बचा के और गठबंधन में सरकार बनी है। मैं ये चाहता हूँ हरियाणा में जो सरकार जो बनने कोई बनती है या कोई भी एक्चुअल, हम किसी का नाम लेते, वो पब्लिक से बहुत दूर जा रही है सरकार। ये अगर अपने करीब लाए सरकार, इनकी जो मांग जांच है, किस तरह की मांगे हैं तुम्हारी? कच्चे कर्मचारी पक्का करना और ठेका फिरता समाप्त करना और जो अपनी पेंशन पुरानी पेंशन उसको लागू करना, ये हमारी मांग जांच है। और 2014 से 2019 से ही हम पूरी सरकार से काफ़ी अर्जी करी है और सरकार इस कान को सुनकर इस कान में निकाल देती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार हमारी बात को सुने और हमारी जो मांग जांच है उनको जारी करें और पक्के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, उनका लेटर जारी करें। जी, मेरा नाम मुकेश कुमार चावरिया। मुकेश जी, आज ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला था? ऐसा है जी कि हमारा ये दो दिवसीय आल हरियाणा का चल रहा था जी, पूरे हरियाणा के अंदर हमारा ये प्रोग्राम था ज्ञापन देने का। आंदोलन का नोटिस दिया है हमने डीएमसी साहब के माध्यम से अपने जो शहरी निकाय मंत्री हैं उनके लिए, क्योंकि सरकार के साथ हमारे कई दफ़े बातचीतें हुई हैं, हमारा समझौता हो जाता है, सरकार समझौता कर लेते लेकिन लेटर जारी नहीं करते। उनके बारे में हमने ये अल्टीमेटम दिया है आज यहाँ नुहू के अंदर, और यहाँ हमने इनसे बातचीत करी। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपकी जो मांगे हैं उनके बारे में हम ये लेटर आपका दे देते हैं।